आदिवासी बाहुल्य जिलों में राज्य और केंद्र सरकार शिक्षा को लेकर कई योजनाएं चला रही है ताकि हर गरीब तबके के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके, लेकिन यहां सरकारी स्कूलों में बच्चों के अभिभावकों से मनमाने तरीके से फीस वसूली जा रही है और आला अधिकारी इसकी भनक तक नहीं लगने दे रहे। ताजा मामला मंडला जिले के बिछिया से सामने आया है। दरअसल पूरा मामला बिछिया के राजू हाई स्कूल का है। यहां प्रिंसिपल द्वारा गरीब बच्चों से अधिक फीस वसूली जा रही है, लेकिन जो रसीद दी जाती है उसमें फीस कम लिखी होती है। जब इस मामले को लेकर मीडिया कर्मियों ने प्रिंसिपल से जानकारी ली तो उनका कहना है कि मैं उत्कृष्ट विद्यालय से संपर्क करके ही फीस ले रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि ग्रामीण अंचल के बच्चों से अवैध फीस वसूली जा रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को इसकी भनक भी नहीं है। वही अधिक फीस वसूली की जानकारी जब कांग्रेस नेता विकास को लगी तो उन्होंने राजू हाई स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर बच्चों से अधिक फीस के नाम पर अवैध वसूली नहीं रोकी गई तो कांग्रेस पार्टी शिक्षा विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगा। भैया क्या है मामला? मामला ये है सर कि यहाँ राज्यों में बेवजह फीस लिए जा रहे हैं गरीब लोगों से और ओबीसी वालों से, ये थोड़ा ठीक नहीं है। जो गवर्नमेंट से जो है उसको समझना चाहिए, यहाँ का प्रिंसिपल को, वो अनाप शनाप कुछ भी पैसा ले जा रहे हैं। आपसे कितना पैसा लिया गया? हमसे 1300 रुपये लिए गए हैं स्कूल फीस का और परीक्षा फीस अलग है उसका सर। उसका फीस पर उसका बिल दिया नहीं गया है। अच्छा, आपने शिकायत नहीं की? हमने शिकायत नहीं की है, हम सोचे कि हो सकता है वो बाहर से आए होंगे, ऊपर से आए होंगे आदेश, तो उसने हमने कुछ नहीं बोला। हमसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, अब सुविधा कुछ भी नहीं है वहाँ से। आपका शुभ नाम? कृष्ण कुमार यादव, ग्राम राजू, पोस्ट राजू, थाना बिछिया, जिला मंडी। हम लोग राजू आए हुए थे, हमारे पास बहुत लंबे समय से शिकायत पड़ी हुई थी। लोग हमारे पास आकर शिकायत कर रहे थे कि हाई स्कूल राजू में, जो कि राजू हमारा एक ऐसा क्षेत्र है, आदिवासी अंचल का क्षेत्र है और मंडला जिले की लास्ट बॉर्डर है, यहाँ पर हमने ये पाया कि यहाँ जो शुल्क गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिए गए हैं उन शुल्कों के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। आदिवासी तबके के जो गरीब निम्न परिवार के बच्चे हैं उनसे ऐसे ठगी की जा रही है जो कि नियम के विरुद्ध है। मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने भी निर्देशित किया है कि फीस को लेकर किसी तरह से अनावश्यक अवैध वसूली ना हो, फिर भी एक शासकीय स्कूल में इस तरह की अवैध वसूली की जा रही है, जो मैं ये समझता हूँ कि गलत। शासकीय स्कूल राजू के प्रिंसिपल जो प्रभारी हैं उनके द्वारा वसूली की जा रही है निसंदेह। मेरे पास इसके कुछ प्रमाण भी हैं आप, जो मैं आपको उपलब्ध भी करा सकता हूँ। आने वाले समय में अगर इस तरह से घटनाएं होती हैं और जो बढ़ी हुई फीस के पैसे लिए गए हैं अगर वो बच्चों को वापस नहीं किए जाते, यूथ कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई हमारे स्तर पर लड़ने को तैयार रहेंगे। सर, जो राशि जो शासन द्वारा जो निर्धारित होती है उसके तहत में लिया जाता है और ये ग्रामीण अंचल है, यहाँ पर बार बार पालक तो दे नहीं पाते थे, एक मुश्त लेकर के बाकायदा बच्चों को रसीद दे करके और उक्त राशि को जो स्कूल का जो अकाउंट है उस राशि में जमा किया जाता है। और लेकिन ग्रामीण बहुल आदिवासी मंडला जिला सर, जैसे इसकी जानकारी नहीं सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। जो अब आदिवासी स्कूलों से जैसे उत्कृष्ट विद्यालय बिछिया मंडला से जो जानकारी मुझे उनसे लेता हूँ शेड्यूल में, उस जो जैसे वहाँ से जो शुल्क राशि जिस प्रकार से ली जाती है उसी आधार पर ये बना करके मैं ले रहा हूँ। सर, इसके बारे में पूर्णतः जानकारी ना होना मेरे पास में, और इसके साथ साथ मानते हैं कि आपसे गलती हुई। सर, ये इसकी जो फीस के बारे में जानकारी जो मैं लेता हूँ क्या है, उत्कृष्ट विद्यालय मंडला, उत्कृष्ट विद्यालय बिछिया और जो शेड्यूल जो वहाँ से जो प्राप्त होता है उसी अनुरूप में काम कर रहा हूँ। आपको इसे अधिकारी कौन? सर कटहल सर हैं। उनसे क्यों नहीं लेते आप जानकारी? सर, इनके बारे में बेहतर जानकारी स्कूल के पास में रहती है। सर अलकथा सर अभी आए हैं सर, उसके पहले जो जो ध्रुवे सर थे बीओ साहब, उनसे जो उनने जो लिखित तौर से जो मुझे दिया था एक कागज में कि आप इतना शुल्क लीजिए, उसी अनुरूप ये पर्ची मैं बना बना के बच्चों को देता हूँ और बकायदा इसकी जो जमा पर्ची है
बैंक में पूरी रसीद मैं रसीद बैंक में जमा करता हूँ। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।